हेलो नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के जस्ट बाहर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट मतलब कि वाराणसी के जस्ट बाहर है। और यहां से आप नज़ारा देख सकते हैं, ये तिरंगा है हमारा जो अभी हवा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से लहरा नहीं रहा है, ये लहरता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये पूरे एयरपोर्ट की नज़ारा है, दिखने को मिलता है। और एक छोटी सी छटा, अगर आपके पास एक दो घंटे का भी अगर समय है यहाँ पर रहने का, तो आप एयरपोर्ट में ही आप एक छोटे से बनारस का दर्शन कर पाते हैं। हम आपको दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमारे जस्ट पीछे एक छोटी सी पार्क है, यहाँ देखिए लाइटिंग से सजाया हुआ। यहाँ एक संक्षेप में ये बनारस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बनारस में क्या खूबियाँ हैं, किस तरह से विकसित हुई है और किस तरह से ये कारगर है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए थोड़ा त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ। लोग देख रहे हैं मेरे जस्ट पीछे, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। शास्त्री एयरपोर्ट है, ये वाराणसी का एयरपोर्ट है। बनारस मंदिरों का शहर, भारतीयों का शहर, हिंदुओं का शहर नहीं, कॉन्ट्रोवर्सियल हो सकता है, बट ये मंदिरों का शहर है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, अच्छा मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। कारण है ये एक छोटा सा सारांश है जो दिखा सकता है। ये घाटों का शहर है, ये 1885 में कैसा दिख रहा था और 2015 में कैसा दिखने लगा। ये आप देख रहे हैं मुनीर का घाट बनारस, मनी कर्णिका घाट बन गया है ये आजकल, और ये वाराणसी बन चुका है, बनारस बन चुका है वाराणसी, गंगा घाट का ये सब देखिए 1885 में कैसा था, नवंबर 2015 में किस तरह से हो चुका है। ये है दशमेश्वधाद घाट व्यू फ्रॉम। एक्चुअली मेरा अभी यहाँ पर फ्लाइट है और 2 घंटे का मेरे को शाम हो चुकी है और 2 घंटे का यहाँ पर थोड़ा स्टे है, इसी वजह से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ वीडियो ही बना दूँ ताकि YouTube में अपलोड कर सकूँ और लोगों को भी दिखा सकूँ जो बनारस को देखना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब लोग बोलेंगे तो खूबसूरत शहर कैसे, तो एयरपोर्ट घूम रहा है, शहर सुंदर है, मैं एयरपोर्ट तो घूम ही रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैं बनारस घूम चुका हूँ। और ये बहुत ही, जैसा कि एयरपोर्ट होता है वैसे तो बहुत ही सुंदर जगह है। ये 1885 से 2015 लगभग 100 साल से ऊपर का ये डिफरेंस है। जो हर शहर बदलती है ये भी बदली, समय के अनुसार बदला आज भी, लेकिन यहाँ पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो इसे खूबसूरती और छटा से बनाए रखती है। मुझे माफ करिएगा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों तक मैं पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। सबका अपना अपना काउंटर है, विस्तारा, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, प्रस्थान, डिपार्चर। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, शाम के 6-5 बज रहे हैं, जाड़ा का समय है, ठंड का समय है, इसलिए ये बहुत जल्दी अंधेरा हो चुका है। और ये देखिए, ये जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है, ये सारनाथ जैसा तो दिख रहा है, नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। दर्शन नहीं किया तो क्या किया, यहाँ पर लगभग सैकड़ों घाट हैं, लेकिन कुछ घाट जो है यहाँ पे बहुत ही मशहूर हैं। हम समझ सकते हैं समय की कमी जिसकी वजह से घाट के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के जस्ट सामने एक घाटों का नमूना दिया हुआ है, आप आकर उसे भी दर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से घाट विकसित हो चुका है। और बहुत सारे घाट हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे जस्ट पीछे ही घाट के पूरे नमूना दिया हुआ है, बना हुआ है। घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, प्रयाग
सूरत घाट, दरभंगा घाट, कोई अगर वाराणसी के लोग देख रहे हैं तो मेरे प्रोनंसिएशन पर मजाक मत उड़ाइएगा। अस्सी घाट, अस्सी घाट, अस्सी घाट बहुत ही फेमस है, ये यहाँ के एम पी हमारे प्रधानमंत्री एम पी मतलब कि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा कि चुनाव के टाइम बताया गया था कि ये शहर को वो क्योटो, जापान का क्योटो बना देंगे, शहर तो अभी तक वैसा बन नहीं पाया है क्योटो जैसा, लेकिन तुरंत बन भी तो नहीं सकता है ना, देखते हैं क्या होता है। तिरंगा के लहरने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तिरंगा लहरा नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी दृश्य आपको दिखाने का जरूर कोशिश करूंगा। ये जब लहरता है तो बहुत ही शानदार दिखता है, और शानदार दिखे भी क्यों नहीं, ये अपना देश का तिरंगा है। आइए हम चलते हैं वाराणसी वॉक पे। हम 10 मिनट में हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ये वाराणसी में किस तरह से विकास होता है और किस किस इसी में क्या क्या यहाँ पर बदलाव आए हैं और क्यों इसे इतना जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं माइलस्टोन टाइप, ये हर माइलस्टोन में बताया गया है कि किस सन में, मतलब कि एडी बीसी जो पढ़ते हैं वो, कि किस सदी में क्या चेंजेस आए हैं इस वाराणसी में। ये बात उस समय की है 528 ईसा पूर्व की, जब सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था। गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ। ये 330 से 370 ईसा पूर्व समुद्रगुप्त द्वारा दशाश्वमेध घाट पर अश्वमेध का यज्ञ इसी शहर में हुआ था। मोहम्मद गौरी द्वारा काशी पर आक्रमण इसी शहर में हुआ था। संत रविदास का जन्म, संत रविदास हमारे श्रेष्ठ सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। कब हुआ था? 1393। हिंदी थोड़ी वीक है, आई टोल्ड यू अर्लियर 1393, लेकिन ये 1393 ही है। एक्चुअली इधर इंग्लिश में दिया हुआ है तो वही मैं देखकर बता रहा हूँ। संत कबीरदास जी का जन्म यहीं पर हुआ। सिकंदर लोधी द्वारा काशी पर आक्रमण, अभी काशी पर और आक्रमण हुआ था, सिकंदर लोधी ने भी आक्रमण यहीं पर किया था, यही वो शहर है जहां पर आक्रमण हुआ था सिकंदर लोधी द्वारा। बट आज ये शहर बदल चुका है, ये हमारा भारत का मंदिरों का पंडितों का शहर बन चुका है। मनसा राम द्वारा काशी राज्य की स्थापना तथा बाजीराव पेशवा द्वारा अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण इसे हुआ था, लेकिन आजकल बाजीराव का शादी हो चुका है मिस्टर रणवीर सिंह का। बनारस राज्य को मुगलों द्वारा आधिकारिक दर्जा मिला, फिर रामनगर दुर्ग का निर्माण हुआ और ये शहर जाना जाता है विश्वनाथ मंदिर के नाम से। और ये विश्वनाथ मंदिर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर सावन को बहुत मात्रा में जल और दूध चढ़ाया जाता है। ये इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हमारे बनारस में किया गया। बनारस के वॉक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के क्रम में यहाँ पर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में संस्कृत की पाठशाला की स्थापना यहीं पर हुआ था। ईस्ट इंडिया के काल में ही भी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और यहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा पेशा भवन 80 में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी इसी देश में हुआ, इसी शहर में। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर स्वर्ण जल का लेप, पुल, गंगा नदी पर मालवीय पुल, राजघाट रेल रोड का निर्माण किया गया। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। PHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कराई गई थी। विद्यापीठ की स्थापना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना यहीं पर हुई। भारत माता, जो हमारी माता है ये पूरी भारत, उनका मंदिर का स्थापना भी यहीं पर हुआ है। अल जामिया तुसल्फिया की स्थापना यहाँ पर हुई। तुलसी मानस का मंदिर यहाँ पर बना और उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान यहाँ पर बना। हम अगर संक्षेप में कहें तो शाम हो चुका है और हम लोग लाइट का थोड़ा यहाँ पे पंगा हो चुका है, लाइट भी कम है। वैसे एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ मैं और यहाँ पर लाइट पर्याप्त मात्रा में है और हम यही कहना चाहेंगे बनारस घूमकर बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैं जितना हो सका दिखा पाया। आप लोग आइए बनारस घूमिए, बहुत ही सुंदर जगह है। और हिंदू में तो ऐसा मान्यता होता है कि लोग मरना चाहते हैं बनारस में, क्योंकि यहाँ गंगा नदी जैसा पवित्र नदी है। और क्या बताऊँ, यहाँ बहुत सारे घाट्स हैं, बहुत सारे विदेशी सैलानियाँ आती हैं
होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, तब तक के लिए शफ़क़ है। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और शहर में। धन्यवाद।